कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के अहमदी टोला में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अहमदी टोला निवासी राहत अंजुम पत्नी साहिबे आलम ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हमारे यहाँ लड़ाई हुई है तो लोगों ऐसे मारा है, खुर्शीद ने और मोहित ने, जम्मू के चारों लड़कों ने हमें बहुत मारा है। हमारे आदमी को भी मारा है, मेरे देवरों को भी बहुत मारा, मेरे चिट्ठे को भी मारा और मेरी नन पेट से उसको भी मारा, पेट पे उसकी भी चोट लगी है। घर पे जो है लोगों, कुछ लोगों ने, महिला के लोगों ने लड़ाई कर दी। कुछ दिन से जो है आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, लेकिन जब उसका विरोध किया गया तो आज जो है घर पे हमारे भाई अकेले थे। पहले उन्हें मारा, जब हम लोग आए, मेरा इलाज चल रहा है कानपुर से, और हमने जब पूछा क्या हुआ तो मेरे अब्बू को हमें पकड़ के जो है डंडे डंडे से मारा। किन किन लोगों ने मारा? ये जो है अफरोज के पुत्र हैं खुर्शीद, चांदाबू, मुजीब और मोहित। एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि घर के अंदर घुसकर महिलाओं को जमकर पीटा। दबंगों ने साबिर व उसकी गर्भवती बेटी आयशा को भी मारा पीटा। वहीं दूसरे पक्ष से मुजीब ने रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोप लगाया है कि वो अपने घर जा रहा था, तभी मोहल्ले के साहिबे आलम, आबिद, राजिक, इरशाद, तौहीद, एहसन, शोएब हसन, मुस्ते हसन ने पुरानी रंजिश में हमला बोल दिया। कन्नौज के थाना कोतवाली कन्नौज में एक के क्षेत्र का एक मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस संबंध में अभी पंजीकृत कर लिया गया है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत जल्द इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, इन लोग का पहले भी वीडियो सामने आ चुके हैं, अभी पंजीकृत कर लिया गया है और बहुत जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बताया कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। द पंजौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट।